कुत्ता पालने का हुक्म। काशिफ उत्तर प्रदेश से यूपी से पूछते हैं। हमारे मेरा अख्पल वतन भी यूपी है, वैसे तो पाकिस्तान है लेकिन वालदैन हमारे वहीं से आए थे। क्या कुत्ता पालना सगीरा गुना है या कबीरा गुना? क्या कुत्ता पालने पर आदमी जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुत्ता पाला रोज़ाना एक किरात उसका अजर कम होता है, यानी एक किरात पहाड़ के बराबर होता है, बहुत तेज़ी से उसकी नेकियाँ ख़त्म हो रही होती हैं। अलबत्ता ज़रूरत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ता पालने की इजाज़त दी है। शिकार के लिए आप पाल सकते हैं या घर में हिफाजत के लिए आप पाल सकते हैं, बिला वजह कुत्ता आप नहीं पाल सकते। एक बड़े आलिम का वाकया मैं अक्सर बयान में सुनाता हूँ। वो कहते हैं, मैं एयरपोर्ट पर था तो कुत्ता था, तो मैंने थोड़ा सा उसको पीछे किया तो एक अंग्रेज़ ने मुझे ताना दिया। गोरे तो आपको पता है कुत्ते लेके घर में भी चले जाते हैं, कुत्ते उनके बिस्तरों पे उनके साथ सो जाते हैं। तो कहते हैं वो आलिम, अंग्रेज़ ने उन आलिम पर एतराज़ किया कि इतना प्यारा जानवर है और आप इसको परे कर रहे हैं और नफ़रत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, हम कुत्ते से नफ़रत नहीं करते, नफ़रत किसी जानवर से नहीं करते, लेकिन हम इतनी मोहब्बत भी नहीं करते कि इसको फैमिली मेम्बर बना लें। घरों में हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, उनके यहाँ तो औलादें ही नहीं हो रही, नस्लें ही ख़त्म हो रही हैं, तो वो फिर कुत्ते और बिल्ली पाल के दिल बहलाते हैं। तो ठीक है, कुत्ता बहुत प्यारा जानवर है, बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन पहले इंसान है। तो बच्चों को पालें अपने घरों में, नस्ल मत रोकें अपनी। और मैंने अब आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, बंदर पाले हुए हैं बहुत से गोरों ने, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या हो गया है कि बच्चा पालते हुए तकलीफ़ हो रही है और बंदरों को बिल्लियों को पाला जा रहा है। टेंशन तो बिल्लियों और बंदरों में भी होती है पालने में, तो और ये बच्चा तो मुस्तकबिल में आपके बहुत काम आएगा और ये आपकी आपका वाली वारिस बनेगा। तो इंसानों को पालने पर ज़्यादा फोकस किया करें। अपने बच्चे नहीं हैं, ईदी सेंटर से बच्चे उठा के ले आए, गरीबों के बच्चे, उनको पाल लिया करें। जो वो गरीब जो नालायक होते हैं अपने बच्चों को फेंक के चले जाते हैं, तो उन गरीबों की बात कर रहा हूँ। वरना बहुत सारे गुरबा भी अपने बच्चों को पालते हैं हमेशा से, अमीर लोग भी पालते रहे, गरीब भी पालते रहे, ये तो अब एक टेंशन लोगों ने खड़ी कर दी है। तो बहरहाल औलादों को पालें आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला ज़रूरत कुत्ता पालने को नाजायज़ करार दिया और ये भी फरमाया कि उसमें फरिश्ते नहीं आते, रहमत के कुत्ता और तस्वीर जिस घर में होगी।